नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 23 जून। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में हुई जोरदार बढ़ोतरी। बिहार में प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 228 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 7,893 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो औरंगाबाद में 1, बांका में 1, बेगूसराय में 1, भागलपुर में 6, भोजपुर में 2, बक्सर में 4, दरभंगा में 17, गोपालगंज में 7, जमुई में 2, जहानाबाद में 1, कैमूर में 1, कटिहार में 4, किशनगंज में 11, लखीसराय में 2, मधेपुरा में 4, मधुबनी में 27, मुंगेर में 8, मुजफ्फरपुर में 1, नालंदा में 10, पटना में 36, पूर्णिया में 4, सहरसा में 18, समस्तीपुर में 18, सारण में 2, शेखपुरा में 1, सिवान में 27, सुपौल में 5 और वैशाली में 7 नए मामले सामने आए हैं। बिहार में कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या पहुंची 5,767 पर। बिहार में जहां एक तरफ कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इससे ठीक होने वालों की संख्या में भी इजाफा देखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार बिहार में अब तक कुल मिलाकर 1,63,476 सैंपल की जाँच की जा चुकी है, जिसमें से अब तक 5,767 मरीज के ठीक होने की खबर सामने आई है। बिहार में प्रभावितों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ कुल मिलाकर 7,808 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं कोविड-19 की वजह से अब तक 52 लोगों की जान भी जा चुकी है। लक्ष्मण रेखा पार करने की जिद में अड़ा नेपाल। चीन की आड़ में आकर नेपाल लगातार भारतीय सीमा क्षेत्र पर अपना हक जबरदस्ती जता रहा है। इतना ही नहीं, नेपाल सरकार ने पूर्वी चंपारण में नेपाल से आने वाली ललपकया नदी पर बनाए जा रहे बांध के निर्माण को भी रोक दिया है। इसके बाद अब खबरों के अनुसार नेपाल के नागरिकों ने SSB के जवानों के साथ अपशब्द का इस्तेमाल किया है और 500 मीटर की जमीन पर अपना दावा पेश किया है, जिसके तहत भारत नेपाल की सीमा पर दर्शाने वाली पिलर संख्या 345/5 और 345/7 के बीच की जमीन को नेपाल अपना बता रहा है। नगर विकास मंत्री ने सभी नगर निगम के अफसरों को दिया अल्टीमेटम। पिछले साल अक्टूबर के महीने में हुई बारिश के कारण पटनावासी पानी में रहने पर मजबूर हो गए थे, जिसके बाद नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही खुलकर सामने आई थी। वहीं इस साल संभावित बारिश को देखते हुए नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार ने पहले ही सभी अधिकारियों को अल्टीमेटम दे दिया है और साफ तौर पर यह कहा है कि अगर समय रहते काम पूरा नहीं किया गया और अगर इस बार बारिश के कारण सड़कें लबालब हुई तो अंजाम भुगतने के लिए अधिकारी तैयार रहे। अब निजी कंपनियां बिहार सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में लगा सकती हैं पैसे। बिहार सरकार ने सभी निजी कंपनियों को छूट देते हुए सरकारी साझेदारी में पैसे लगाने की अनुमति दे दी है, जिसके तहत अब बिहार में देश दुनिया की नामचीन कंपनियां सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के साथ उद्योग कर सकेंगी। राज्य सरकार का यह फैसला सर्विस सेक्टर के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होने वाला है, क्योंकि सेक्टर में निवेश के साथ बड़े पैमाने पर राज्य में रोजगार सृजन होंगे। हालांकि सरकार ने वर्तमान समय में यह छूट ऑटोमोबाइल, कृषि संयंत्र, मेडिकल उपकरण, वस्त्र निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को दी है। दरभंगा से अक्टूबर महीने में शुरू हो सकती है विमानन सेवा। दरभंगा वासी अक्टूबर महीने से देश के अन्य हिस्सों तक उड़ान भर सकते हैं। सब कुछ अगर योजना के अनुकूल चला तो अक्टूबर में दरभंगा के विद्यापति एयरपोर्ट से अलग अलग शहरों के लिए उड़ान सेवा शुरू कर दी जाएगी, जिसकी जानकारी शहर के प्रशांत मिश्रा ने जारी की है। इतना ही नहीं, मिश्रा ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रनवे को मजबूत करने से संबंधित चल रहे कामों की जानकारी भी दी है और उनकी मांग भी की है, जिसके हिसाब से इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के महाप्रबंधक ने बताया है कि रनवे के मजबूतीकरण का काम चल रहा है, 50% काम पूरा कर लिया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के 74 स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी से मिले नदारद। कोविड-19 के इस बढ़ते माहौल के बीच जहां एक तरफ सभी स्वास्थ्य संबंधित कर्मियों की 30 जून तक छुट्टी रद्द कर दी गई थी, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य समिति के 74 कर्मी ड्यूटी से नदारद पाए गए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने इन सभी सदस्यों से जवाब की मांग की है, क्योंकि यह वो कर्मी हैं जो बिना किसी सूचना के गायब हुए हैं। इनमें राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, स्टेट एपिडेमियोलॉजिस्ट, लेखक, कार्यपालक, सहायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर सहित अन्य कर्मी मौजूद हैं। नेपाल में बाढ़ रक्षात्मक कार्य पर लगाया गया रोक। नेपाल के रवैये ने बिहार में बाढ़ की संभावना और ज्यादा बढ़ा दी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नेपाल ने रक्षात्मक कार्य पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से बिहार में बाढ़ की संभावना एक बार फिर से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी जानकारी जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दी है और साफ तौर पर कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय और केंद्र सरकार को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। हमारे स्थानीय इंजीनियर और DM संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत जारी है। अगर समय पर कुछ नहीं हुआ तो बिहार में एक बार फिर से बाढ़ की संभावना देखने को मिल सकती है। लालू और रघुवंश प्रसाद सिंह के विरोधी रह चुके रामा सिंह जल्द ही होंगे राजद में शामिल। राजनीति में रातों रात लोगों की विचारधारा बदल जाती है, इसी का प्रमाण पेश किया है
अपने समय से लालू और रघुवंश प्रसाद सिंह के विरोधी कहे जाने वाले रामा सिंह ने लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व सांसद रामा सिंह चुनाव से ठीक पहले राजद का हाथ थामने वाले हैं, जिसके तहत 29 जून को वह राजद पार्टी का हिस्सा बनने वाले हैं। सिर्फ रामा सिंह ही नहीं बल्कि स्वर्ण समाज के कई अन्य नेता भी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इस सिलसिले में रामा सिंह ने हाल ही में तेजस्वी यादव से मुलाकात भी की है। तेजस्वी यादव ने उत्तर बिहार में बाढ़ की संभावना बढ़ने के दिए संकेत। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए केंद्र सरकार पर दायित्व डालने की कोशिश कर रही है। मॉनसून आ चुका है, पूरा का पूरा उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में आने के कगार पर खड़ा है और राज्य सरकार विदेश मंत्रालय को पत्र लिखने में व्यस्त है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव का यह बयान बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा के बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि नेपाल के रुख को देखते हुए बिहार के बड़े हिस्से पर बाढ़ की संभावना फिर से बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने की बिहार वासियों से सतर्कता के साथ पेश आने की अपील। बिहार में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, राजधानी पटना और अन्य जिले धीरे धीरे करके सामुदायिक संक्रमण की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग छूट मिलने के साथ ही ज्यादा लापरवाह होते नजर आ रहे हैं। जिसके बाद आज स्वास्थ्य विभाग ने बिहार राज्य को सचेत करते हुए साफ तौर पर समझा दिया गया है कि अगर राज्य में इसी तरीके से लापरवाही बढ़ती गई तो आने वाले 20 से 25 दिनों में राज्य में कोरोना को सामुदायिक संक्रमण का रूप ले सकता है। अकेले पटना जिले में 50 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं, जिनका यात्रा से कोई लेना देना नहीं है, जिसके बाद इस नए संक्रमण चेन को बनता देख स्वास्थ्य विभाग की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। जीतनराम मांझी की हो सकती है एनडीए में घर वापसी। बिहार के महागठबंधन दल में दरार बढ़ती जा रही है। चुनाव से पहले जीतनराम मांझी और महागठबंधन दल के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा था, वहीं अब आ रही खबरों ने महागठबंधन दल को हिलाकर रख दिया है। खबरों की माने तो जीतनराम मांझी ने 25 जून तक राजद को अल्टीमेटम देते ही बातों में पाला बदलने को लेकर बड़ा संकेत दे दिया है, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि वो किसी भी वक्त महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में वापस आ सकते हैं, जिसके तहत अशोक चौधरी ने कहा है कि अगर मांझी एनडीए में आते हैं तो उनका भरपूर स्वागत है। बिहार भाजपा के एक विधायक निकले कोविड 19 प्रभावित। कोविड 19 अपना दायरा राजनीति तक बढ़ा रहा है। इसी क्रम में राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के बाद अब भाजपा के एक विधायक में कोविड 19 पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद विधायक और उनके ड्राइवर को दरभंगा से पटना एम्स के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ विधायक के संपर्क में सभी लोगों को ट्रेस करने का काम शुरू कर दिया गया है। मौसम विभाग ने पटना समेत कई जिलों में दो दिनों तक बारिश होने की जताई संभावना। बिहार में मॉनसून की बारिश इस बार अच्छी खासी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार पटना समेत सूबे के कई जिलों में आने वाले 48 घंटों में झमाझम बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसके तहत अब पटना के अलावा भागलपुर, नवगछिया और उससे सटे जिलों में बारिश होने की संभावना काफी ज्यादा देखी जा रही है। 24 जून से उत्तरी बिहार के कुछ जिलों में बारिश के आसार देखने को मिल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शिवहर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी चंपारण समेत अन्य में बारिश 24 जून के बाद हो सकती है। भारत चीन की सीमा पर जान गंवाने वाले सुनील कुमार से मिलने पहुंचे खेसारी लाल यादव और मनोज तिवारी। अभिनेता खेसारी लाल यादव और मनोज तिवारी बीते दिन भारत चीन की सीमा पर जान गंवाने वाले सुनील कुमार के परिवार से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने परिवार से मुलाकात की और संतावना दी है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी बीते दिन सुनील कुमार के परिवार से मिलने पहुंचे थे। हालांकि मनोज तिवारी ने पहले ही उनके परिवार की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान किया था। इसी क्रम में उन्होंने बीते दिन 1 लाख रुपए की राशि सहायता के तौर पर दी है, साथ ही सुनील कुमार के बेटे और बेटी की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी भी ली है। मध्यपुरा इंजन कारखाने में तैयार इलेक्ट्रिक इंजन दौड़ी पटरियों पर। बिहार के मध्यपुरा कारखाने में तैयार सबसे शक्तिशाली 16 विद्युत इंजन भारतीय रेल की पटरी पर दौड़ने लगी है। ऐसे 12,000 और क्षमता के 800 इंजन को बनाने का लक्ष्य रखा गया है, वहीं जो निर्माण की लागत 24 करोड़ रुपए रखी गई है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने कहा है कि विश्व में पहली बार बड़ी लाइन पर संचालित होने वाली यह पहली इंजन है, जिसका उपयोग मालगाड़ियों में किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कारखाना मेक इन इंडिया का सर्वोत्तम उदाहरण है। आम की अच्छी पैदावार से सीतामढ़ी के किसान और व्यवसायी है खुश। सीतामढ़ी में आम की अच्छी पैदावार देखने को मिली है, जिसके बाद किसान और व्यवसायी दोनों खुश नजर आ रहे हैं। व्यवसायियों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा आम पेड़ पर आए हैं और बिक्री भी ज्यादा हुई है, जिससे पिछले साल हुए नुकसान की भरपाई भी हो गई है। इतना ही नहीं, इस बार अच्छी पैदावार होने की वजह से बाजारों में भी आम सस्ते दर पर बिक रहे हैं। किसानों की माने तो मई के महीने में इस बार की बारिश आम के उम्दा पैदावार होने के पीछे का मुख्य कारण है।
उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन कांग्रेस को सवालों के घेरे में लिया है, जिसके तहत उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस पार्टी द्वारा बार बार सरकार पर उठाए जा रहे सवालों के जवाब में कहा है कि कांग्रेस और उसके नेता चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलने में व्यस्त है। कांग्रेस नेताओं ने बोफोर्स के समय किए गए अपने काले चिट्ठे को साफ करने में लगी हुई है। 1962 में हुए वाक्यों पर क्लीन चिट देने के लिए कांग्रेस पार्टी सेना से ऐसे समय में सवाल उठा रही है जब सेना देश के सामने आई मुसीबत का सामना कर रही है। भोला बाबू को MLC बनाने के लिए राजद कार्यकर्ता पहुंचे राबड़ी आवास के बाहर। विधान परिषद चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के अंदर ही अनबन का माहौल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि MLC पद के लिए नामांकन भरने वालों की लाइन लंबी है। खबरों की माने तो पूर्व मंत्री उदय नारायण राय उर्फ भोला रॉय को MLC प्रत्याशी बनाने के लिए राजद पार्टी के कई कार्यकर्ता राबड़ी आवास के बाहर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जमकर पार्टी के खिलाफ विरोध किया। हालांकि अभी भोला यादव को विधान परिषद भेजने या नहीं भेजने का कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। महागठबंधन को बचाने के लिए सोनिया गांधी ने मांझी को बुलाया दिल्ली। महागठबंधन पार्टी में साफ तौर पर दरार देखने को मिल रही है, क्योंकि जीतनराम मांझी ने साफ तौर पर गठबंधन को 25 जून तक का अल्टीमेटम दे रखा है, ताकि समन्वय कमेटी का गठन किया जा सके, जिसके बाद वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। महागठबंधन को बचाने के लिए कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी ने मांझी को दिल्ली बुलाया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर उनके NDA में शामिल होने की अटकलें भी सुनने में मिल रही है। शाहनवाज हुसैन ने बिहार चुनाव में NDA की जीत का किया दावा। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने वर्चुअल जनसंवाद के दौरान इस साल बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की जीत होने का दावा किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है, उसी तरह बिहार चुनाव में भी BJP जदयू और लोजपा का गठबंधन ही बड़ी जीत हासिल करेगा और विपक्षी पार्टियों का सफाया हो जाएगा। बिहार में हम गठबंधन धर्म का पालन करते हुए चुनावी मैदान में उतरेंगे। सीट किसी को भी मिले, लेकिन जीत NDA की होगी। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से मिलने पहुंचे मनोज तिवारी। अभिनेता से नेता बने मनोज तिवारी बीते दिन सुशांत सिंह राजपूत के पिता और उनके परिवार से मिलने पहुंचे थे, जहां पहुंचकर उन्होंने उनके पिता को हिम्मत से काम लेने की सलाह दी है। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत द्वारा उठाए गए कदम के पीछे के कारणों की जांच के लिए CBI जांच की मांग की है। वहीं मनोज तिवारी जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत के पटना के राजीव नगर मोहल्ले में स्थित घर पहुंचे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि सुशांत के घर इस मौके पर आना पड़ेगा। डेविड वार्नर ने की विराट कोहली और स्टीव स्मिथ की तारीफ। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने विराट कोहली और स्टीव स्मिथ की जमकर तारीफ की है, जिसके तहत उन्होंने एक मीडिया हाउस से लाइव चैट के दौरान कहा कि यह दोनों बल्लेबाज तीनों प्रारूपों में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक है। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होने वाली 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, स्टीव स्मिथ ने विराट कोहली की तारीफ में कहा था कि विराट कोहली मैच दर मैच बेहतर खिलाड़ी बनते जा रहे हैं, जो कि बाकी सभी खिलाड़ियों के लिए परेशान करने वाली बात है। मुकेश अंबानी की एक दिन में 36,500 करोड़ रुपए की बढ़ी संपत्ति। मुकेश अंबानी की एक दिन में 36,500 करोड़ रुपए की संपत्ति बढ़ने की खबर सामने आई है। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस का मार्केट कैपिटल रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच जाने के कारण यह बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके तहत मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर इंसान की सूची में 9वें स्थान पर आ गए हैं। खबरों की माने तो रिलायंस इंडस्ट्री के बाजार पूंजी सोमवार को $150 अरब के रिकॉर्ड लेवल को पार कर गई, जिसके बाद रिलायंस के शेयर का भाव सोमवार को बढ़कर 1800 तक पहुंच गया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है। चीन के खिलाफ शुरू हुए विरोधाभास से लावा को मिली उम्मीद। देश भर में चीनी उत्पादों के इस्तेमाल को बंद किए जाने की मांग देखी जा रही है। वैसे भी जब टेलीकॉम कंपनियों को उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। टेलीकॉम कंपनियों का मानना है कि चीनी उत्पादों के बंद होने की वजह से भारत निर्मित टेलीकॉम मार्केट में बढ़ोतरी होगी। माइक्रोमैक्स के बाद अब लावा ने भी एक दमदार योजना बनाई है, जिसके तहत जल्द ही भारत में अपना एक नया फोन लॉन्च करने वाली है, जिसके तहत लावा ने अपने नए फोन Z66 Geekbench नाम की बेंचमार्किंग वेबसाइट पर डाला हुआ है। इस वेबसाइट पर फोन के कई सारे स्पेसिफिकेशंस भी मौजूद है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है अनुपम कुमार, राजपवन सिंह, रामकृष्ण कुमार, पूजा कुमारी, दीपक कुमार, रविशंकर कुमार, नीरज कुमार, चंदन मौर्य कुमार, धर्मेंद्र कुमार, गोविंद कुमार, बलराम कुमार, मंजीत यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हम अपने सभी व्यूअर्स से सवाल नहीं पूछेंगे, बल्कि आज हम आपसे आपकी राय लेंगे। हम बिहार की 25 बड़ी खबरों को और अच्छा बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं, कृपया अपने सुझाव दें। अगर हम सक्षम हुए तो जरूर अमल में लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।